नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साथियों, हम आपके लिए आज के एपिसोड में लेकर के आए हैं कि श्राद्ध के दिन खत्म होने से पहले क्या एक कार्य करना बहुत जरूरी है जिससे आपको पितरों की कृपा की प्राप्ति होती रहे। मेरे प्यारे साथियों, श्राद्ध के दिनों में हम तन मन धन से पितरों की पूजा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि सदा पितर देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन क्या है वह कार्य जो अगर आप श्राद्ध के दिनों में करते हैं तो आपको पितरों की कृपा की प्राप्ति जरूर से जरूर होती है। संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। साथियों, आज के विषय को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के टीजर में देखा है कि श्राद्ध खत्म होने से पहले जरूर कर लें यह एक काम, नहीं तो मिलेगी नहीं पितरों की कृपा। प्यारे साथियों, वैसे आम तौर पर हम अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध के दिनों में भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं, पिंडदान करते हैं। लेकिन फिर भी क्या है वह कार्य जो अगर हम श्राद्ध के दिनों में नहीं करते तो हमें पितरों की कृपा की प्राप्ति नहीं होती। साथियों, आम तौर पर श्राद्ध का अर्थ होता है कि श्रद्धा भाव से अपने पितरों को जो आप पूजते हैं, जो उनके निमित्त आप किसी ब्राह्मण को या कुछ भी दान पुण्य करते हैं, वह श्राद्ध कहलाता है। पितरों के मोक्ष के लिए, उनकी सदगति के लिए श्राद्ध किया जाता है। साथियों, पितरों की कृपा के लिए पिंडदान और तर्पण भी बेहद जरूरी होता है। लेकिन श्राद्ध के दिनों में अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो यह भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों की कृपा की प्राप्ति आपको होती रहे तो श्राद्ध के दिनों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा गौ माता के लिए भोजन निकालना चाहिए, गौ माता के चरण धोने चाहिए, गौ माता को नाना प्रकार के जो व्यंजन है वो खिलाने चाहिए। इसके अलावा जितना अधिक आप श्राद्ध के दिनों में, कनागत के दिनों में गौ माता की सेवा करते हैं उतना ज़्यादा आपको पितरों की कृपा की प्राप्ति होती है। आप क्या करें, आप सुबह नहा धो करके शुद्ध होने के पश्चात सबसे पहले घर में जो भोजन बनता है उसमें आप जो रोटी निकाल लें, चावल बनाए हैं चावल निकाल लें, इसके अलावा दही, सब्जी और मीठे में जो खीर बनाई है तो खीर, अगर प्रसाद बनाया है तो प्रसाद, वो सारा सामान एक थाली में लगा करके और एक गिलास में जल ले लें। सबसे पहले गौ माता के चरण धोवें, उसके बाद आपने सबसे पहले गौ माता को मीठा खिलाना है। मीठा खिलाने के बाद आपने जो रोटी है, रोटी के ऊपर थोड़ी सब्जी डाल लें और अगर और कोई नैवेद्य है वो भी रख लें। उसके बाद आपने यह खिलाना है। अगर चावल बनाए हुए हैं तो चावल में सब्जी मिक्स करके या दाल बनाई है तो दाल मिक्स करके वो गौ माता को खिलाएं। इस तरह से जो भोजन आपने बनाया है प्रतिदिन श्राद्ध के 15 दिन डेली आपने ये कार्य करना है। आप इसके अलावा अगर कोई कार्य भी नहीं करते हैं तो आपके घर में कभी कोई पितृदोष नहीं बनेगा। तो गौ माता को जो श्राद्ध के दिन है उन दिनों में सुबह भोजन जरूर करवाएं। साथियों, यह कार्य करने से पितरों की कृपा की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं जानकारी पसंद आएगी। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की।